दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं आपको झाड़ियाँ क्यों दिखा रहा हूँ। इन झाड़ियों के अलावा जो यहाँ जगह है देखने की वो मैं दिखाता हूँ। यह है जयपुर शहर जो अरावली की पहाड़ियों के बिल्कुल पास में बसा हुआ है। ये बसा हुआ है चंद्र महल, जिसे जयपुर का सिटी पैलेस भी कहते हैं। इसी के पास में ये है हवा महल का एरिया, यहाँ पे जंतर मंतर और हवा महल बसा हुआ है। और जो इसको बनाने वाले हैं उनकी छत्रियाँ यानी उनका जो राजशाही यादगार बनी हुई जो वो बनी हुई है गेटोर में, दिखाता हूँ आपको। यह है गेटोर। इन गेटोर की जो गेटोर की छत्रियाँ हैं ये महाराजाओं की छत्रियाँ हैं। ये इसे आप शाही शमशान भी कह सकते हैं। हर राजा की यहाँ पे एक ये बना हुआ है, यादगार बनी हुई है। और ये जो हिस्सा ऊपर का ये नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे बसा हुआ है। इस नाहरगढ़ फोर्ट को टाइगर फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये घाटी है पूरी, ये पूरा जब ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है यहाँ का प्रसिद्ध गढ़ गणेश मंदिर। गणेश चतुर्थी को यहाँ बहुत भीड़ होती है। नज़ारा देखो आप जयपुर का कितना प्यारा है। जयपुर शहर एक बहुत ही शानदार जगह है आपके टूर के लिए। बहुत प्यारी सी जगह है, शांत जीवन जीना हो आपको कम भागा दौड़ के साथ तो जयपुर बहुत प्यारी सी जगह है। नज़ारा देखें आप, बिल्कुल प्यारा सा। और अगर आप गढ़ गणेश मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लगभग ये 700 से 800 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़ना पड़ेगा। ये और थोड़ा सा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, फिसलन भी होती इन पत्थरों पे। ये लोग हैं जो मज़ा लेके आए हैं पूरे गढ़ गणेश मंदिर का। अभी जाना है। देखो कितना शानदार नज़ारा है। और अगर आपको पनोरमिक व्यू देखना हो जयपुर को तो ये गढ़ गणेश जो मंदिर है ये बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल यहाँ से आप पूरा जयपुर देख सकते हैं।